नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं दरवाजों के बारे में, मतलब कि डोर के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी टॉपिक है। जब भी आप घर बनाते हो तो ऐसे में आप दरवाजा किस लकड़ी का लगवाएं या फिर किस चीज का लगवाएं, किफायती कौन सा पड़ेगा, लकड़ी का लगवाएं या प्लाईवुड का लगवाएं, या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं और किस चीज का कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो मैं दोस्तों ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, मैंने इससे पहले भी दरवाजों के ऊपर कई सारी वीडियोस ला चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में और आई बटन में दे दूंगा, उन वीडियोस को जरूर देखें, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडीमेड दरवाजों की, जो आपके बने बनाए दरवाजे आते हैं और आपको उनको लगवाना होता है उनका क्या कॉस्ट पड़ेगा। ये जो अभी आप एक वीडियो चल रही होगी, इस वीडियो में जैसे देख सकते हैं कुछ ये दो तरह के दरवाजे हैं, एक लाइट ब्राउन है और एक डार्क ब्राउन है। अब इन दोनों दरवाजे को लगवाने का क्या कॉस्ट पड़ जाएगा, आपको क्या लेबर कॉस्ट पड़ेगा, कि इन दरवाजों का क्या कॉस्ट पड़ेगा, प्लस इनमें जो छिटकिनी कुंडी जो भी लगी है इनका क्या कॉस्ट पड़ेगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखते रहें। वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बहुत सारे लोग दरवाजों में कंफ्यूजन में रहते हैं कि किफायती दरवाजा कौन सा पड़ेगा। सचमुच आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आप अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये दरवाजे बहुत ही किफायती पड़ने वाले हैं, और ये अगर रेडीमेड दरवाजे यूज करते हो तो ऐसे दरवाजों का यूज आप बहुत आराम से कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसको नीचे लाकर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉर्मल वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब जरूर कर दे, हमें 20,000 तक पहुंचाने में जल्दी से जल्दी हेल्प करें और अच्छी वीडियोस मैं आप तक ला पाऊं, ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियोस। अगर जल्दी जल्दी 20,000 पहुंचाएंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप चाहे तो अभी या वीडियो के एंड में जाकर के लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइक से, हर एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। सीधा टॉपिक पे आता हूं, अब बात कर लेते हैं दरवाजों के बारे में। दोस्तों यहाँ मैं जो भी दरवाजों की बात कर रहा हूँ, मैं चौखट के बगैर बात कर रहा हूँ। चौखट आप जैसा चाहें वैसा बनवा सकते हैं, उनके भी अलग अलग कॉस्ट होते हैं। बहुत लोग लकड़ी का बनवाना पसंद करते हैं, बहुत लोग अलग चीज़ों का बनवाना पसंद करते हैं, पर यहाँ मैं सिर्फ दरवाजों की बात करने आया हूँ, रेडीमेड दरवाजे जो आपको इन वीडियोज में शो है, दो तरह के दरवाजे। अगर आप रेडीमेड दरवाजे लगवाते हो और उनका जो मैंने दरवाजे लगाए हुए हैं इनका साइज जो है यहाँ पे 3x7 का है, मतलब 3 फुट इसका चौड़ाई और लंबाई इसकी 7 फुट है। इसका कॉस्ट हमको जो ये लाइट ब्राउन दरवाजा है, थोड़ा सा दिखने में चमकीला है और अच्छा है दिखने में, तो इसका कॉस्ट हमें यहाँ पे 5,000 रुपये पड़ा है। 500 रुपये का डिफरेंस दोनों दरवाजों में। और दूसरा दरवाजा सेम साइज है जो कि आपका डार्क ब्राउन है, और इसका कॉस्ट हमें पड़ा है यहाँ पे 4,500 रुपये। 500 रुपये का डिफरेंस है, और डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, लकड़ी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन का फर्क है। ऐसे ही डिज़ाइन की वजह से रेट का फर्क आपको हर जगह दरवाजों में मिल सकता है। तो रेडीमेड दरवाजे आपको इस हिसाब से, इसी कॉस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पड़ेंगे। ये जैसे आपने कॉस्ट देखा कि 4,500, 5,000, हो सकता है दरवाजों के कॉस्ट आपको 6,000, 7,000, आप डिजाइन काफी अच्छा लेना चाहें, उसमें काफी बेहतर करना चाहें, तो रेडीमेड दरवाजे का कॉस्ट आपकी डिजाइन के ऊपर बढ़ सकते हैं। लेकिन रेडीमेड दरवाजे अगर आप कहें कि कोई कहे कि कमजोर होता है, ऐसा कहीं से नहीं है, आप रेडीमेड दरवाजे भी यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। बहुत लोगों का शौक होता है कि एक ट्रेडिशनल, एक अच्छी लकड़ी का दरवाजा यूज करें, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है और आप एक कम बजट में एक अच्छा दरवाजा यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे रेडीमेड दरवाजे यूज कर सकते हैं। ये आपको कॉस्ट फ्रेंडली पड़ेंगे, मतलब कि सस्ते पड़ जाएंगे, प्लस आपको लगाने बहुत आसान पड़ेंगे। आराम से आप दुकान में जाके दरवाजे पसंद कर लीजिए, वहीं से आपको लेबर मिल जाएगा, वहीं से आपको सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, वो आपके घर पे आके लगा करके जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके में लेबर कॉस्ट इसमें क्या लगने वाला है, और प्लस इनकी छिटकिनी और इन सबका क्या कॉस्ट पड़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट जो है वो 600 to 800 अराउंड पड़ सकता है। अब 600 to 800 अराउंड में क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बार ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, ये 600 से 1000 भी जा सकता है, और ये 1000 से 600 भी रह सकता है, उससे कम भी हो सकता है। काफी बार आप बार्गेनिंग करेंगे दुकान वाले से तो वो आपको लेबर कॉस्ट में कम करके भी बता सकता है, और फिर उसके बाद आपको लेबर कॉस्ट कम पड़ सकती है। लेबर कॉस्ट जो है ऐसे में रेडीमेड दरवाजों पे वो फ्लक्चुएट होती है। तो ये आप दरवाजे आप ऐसे लेबर कॉस्ट के ऊपर
ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहां बात आती है कि एक्स्ट्रा फिटिंग्स जो भी आपका छिटकनी है या फिर जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप साधारण फिटिंग करवाते हैं कुंडियों की छिटकनी की, तो ये आपको 1000 रुपये तक में साधारण फिटिंग बहुत आराम से दरवाजे में हो जाएगी। मतलब कि साधारण फिटिंग कुंडी से लेकर के छिटकनी तक की और डोर स्टॉपर से लेकर के सब कुछ इसमें आ जाता है। ऐसा नहीं कि फिटिंग्स में कुछ कमी रह जाती है, 1000 रुपये तक में आ जाता है। अब अगर इसी में अगर आप स्टैंडर्ड थोड़ा डिजाइनदार लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको 1500 रुपये तक का कॉस्ट जाएगा फिटिंग्स में। तो आप इस हिसाब से, जैसे कि मैंने दरवाजे का कॉस्ट बताया, फिटिंग की कॉस्ट बताया, लेबर का कॉस्ट बताया, आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपना एक दरवाजा बनाने में, कोई भी एक डोर बनाने में, लकड़ी का दरवाजा बनवाने में या रेडीमेड दरवाजा लेने में कितना कॉस्ट आपको लगभग आपको पड़ जाएगा और कितने आप कितने कॉस्ट में आप लगभग दरवाजा बना लेंगे। ये तब है जब आप एक रेडीमेड दरवाजा लगवाते हैं। मगर अगर आप बनवा के एक लकड़ी के, अच्छा लकड़ी को बाय करके, या फिर अपना आपको बहुत लोगों के पास अपनी लकड़ियां होती है उस लकड़ी का बनवाना चाहते हैं, तो जितना चार्ज मैंने आपको बताया रेडीमेड दरवाजा खरीद के आके आपका लग जाएगा, उतना काफी बार कॉस्ट लग जाता है सिर्फ लकड़ी का लेबर कॉस्ट लकड़ी का दरवाजा बनवाने में। तो ये इतना कितना आपको कॉस्ट फ्रेंडली पड़ने वाला है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं है और आप कम पैसों में एक अच्छा दिखने वाला दरवाजा और मजबूत दरवाजा लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप रेडीमेड दरवाजे की तरफ बहुत आराम से जा सकते हैं और ये आपको कॉस्ट फ्रेंडली भी पड़ेगा और आपके जेब के अकॉर्डिंग एक सस्ते में और एक अच्छा खूबसूरत दिखने वाला एक मजबूत दरवाजा लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जो उसमें कि आपको अपने घर में दरवाजा लगाने से रिलेटेड आपको कुछ मैंने जानकारी देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस जानकारी का पता होगा, मगर नहीं पता तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा और अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो के बाद कि अगर आप रेडीमेड दरवाजा लगाना चाहते हैं तो आपको कितने कॉस्ट में आपको कितने दरवाजे आप लगवा सकते हैं। बहुत बार लोगों को अंदाजा ही नहीं होता है कि किस कॉस्ट में कितना कौन सा दरवाजा आएगा और हम कैसे लगवाएं और कितना कॉस्ट पड़ जाएगा लगवाना का दरवाजा। तो बहुत बार लोग दरवाजों को इग्नोर करते, छोड़ने की कोशिश करते, बाद में कभी लगवा लेंगे, एक दो दरवाजा लगवा लेते हैं। अगर उनको पता चले कि रेडीमेड दरवाजा आपको काफी कम कॉस्ट में आपके सारे दरवाजे लग जाएंगे तो आप बहुत आराम से सभी दरवाजों को लगवा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास सेलेक्ट करते हैं और बहुत बार घर का काम खत्म होते होते दिक्कत आ जाती है पैसों की और मुश्किल हो जाता है कि हम दरवाजे लगाएं नहीं लगाएं, लगाएं तो कितने का लगवाएं, कौन सा लगवाएं, लकड़ी का लगवाएं, ये हो लगवाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर रेडीमेड दरवाजा लगा रहे हैं तो इसमें कहीं से भी आपकी मजबूती कम रहेगी, वो दरवाजा भी आपको खूब अच्छा खासा मजबूत मिलेगा। आप चाहें तो इसको जाके चेक कर सकते हैं। मैं कोई ठेकेदार की तरफ से, कोई शॉप की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप एज पर मार्केट जाकर के रेडीमेड दरवाजों का पता कर सकते हैं, वहां पर आपको नॉर्मली यही कॉस्ट पड़ेगा, मार्केट में आजकल यही कॉस्ट पड़ रहा है, इसी के आसपास 100-200-500 ऊपर नीचे इससे। लेकिन आपको मेरी वीडियो से इतना अंदाजा पड़ जाएगा कि आपको लगभग किस कॉस्ट में आपका दरवाजा लग जाएगा। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, जल्दी ही मिलते हैं अगली और नॉलेजफुल वीडियो।